अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम हाजिर हैं नए ब्लॉग के साथ, आपका फुल हम स्वागत करते हैं न्यू ब्लॉग में। तो पर्स मेरा पकड़ा दो। तो गाइस हमने पकड़ लिया पर्स और हम जा रहे हैं ज़रा बाहर, महीने को सामान सुमान लेना है तो बस उसके लिए हम जा रहे हैं बाहर। तो वो पहुंच गई है तो बस मैं भी जा रहा हूँ पीछे, तो बस फिर चलते हैं जल्दी 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 जल्दी। और बाहर धूप छूप सही निकली है, ठीक है, अच्छा माहौल लग रहा है बाहर का, धूप है भी निकली है भाई। तो बस जा रहे हैं सामान सामान लेने, लगी है फुल भूख और माही गई है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पिज़्ज़ा खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी भूख लगी है। हम चलते हैं और देखते हैं, नहीं ये तो गलती आ गई हूँ मैं, यहाँ पर तो नहीं गई है, गलत आ गई हूँ, अरे यहाँ पर तो नहीं गई, माही घूम गई है यार। सही है बस, तो मैं पता तुम्हें अभी देखते देखते मैं ऊपर चला गया था, ऊपर चढ़ गया था पता नहीं किस सैलून पे, मुझे लगा शायद ऊपर एंट्रेंस। ये वाला ले लो यार। अच्छा तो आज माही की ना बहन की बर्थडे है, तो उसके लिए ये जोन सा ना गिफ्ट शिफ्ट लेने आई है, तो अपने लिए भी देख रहे थे कुछ कुर्ता शुर्ता है, लेकिन अपने लिए मुझे समझ से बाहर है, यहाँ से नहीं आएगा कुछ उठा और मुझे चाहिए भी नहीं कुछ फिलहाल, ये देख रही। तो मैं चला जाऊँ पिज़्ज़ा जंक्शन ऑर्डर दे, तुमने खाना नहीं, तुमने नहीं खाना, तो मैं अपने लिए दे दूँ। चलो तो फिर अपने लिए ऑर्डर दे देते हैं, बाद में मैं चक्कर लगाता हूँ ऑर्डर देख के। तो यार हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर छोटर दे दिया, वो कहते हैं 20 मिनट लगेंगे, तो अब हम जाते हैं साथ वाली दुकान पे दोबारा, वहाँ से हम देखते हैं माही ने सूट सूट लिया नहीं लिया, दोबारा चलते हैं। आया कि नहीं आया, ये कैसे, ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये 3 पीस है ना। नहीं औरतों के तो मैं समझ से बाहर है, एक ही चीज़ को बार बार देखी जाती हैं और बार बार कहती हैं ये ठीक है ये अच्छा है ये अच्छा है, इनको कह भी तो अच्छा है तो फिर इन्होंने 4 रखे होते हैं, फिर वो 4 में से भी चॉइस करनी पड़ती है, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, पता नहीं लगता इनके साथ। मैं इसलिए शॉपिंग करने में जो उनसे कोई इंटरेस्टेड नहीं होता इनके साथ आने में, देखता हूँ पता नहीं लेती है नहीं लेती, क्या सीन करती है। ये वाला ले रही हो, आ गया पसंद, चलो शुक्र है पसंद आ गया। इसमें साइज दिखा दो, इसमें ना मुझे मीडियम और लार्ज दोनों दिखा, मेरे लिए बताएं कौन सा। अच्छा तुम अपने लिए देख रही हो, नहीं अपने लिए भी देख रही हूँ, मुझे लगा शायद तुम अपने बहन के लिए देख रही हो, इसके लिए देखती है ना ये वाइट, अपने लिए पूछ रही हूँ। अपने लिए तुम जो सा मर्जी ले लो, तुम्हारे कलर में प्यारी लगती हो, व्हाइट वाला ही ले लो तुम, ये व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ तो फिर जो सा मर्जी देख लो, सेम सेम कलर ले लो, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बहन का भी वो तो तुम्हारी सेम सेम पहन के चले जाना। कोई और कलर देखते हैं, मैं जाता हूँ पिज़्ज़े का देखने, कसम से मैं अगर लेने आऊँ ना सिर्फ आगे और पीछे बस, इनके साथ जाओ तो पूरा घूमते ही रहो बंदा, टांगे थक जाती है बंदे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ब्लैक अच्छा है, येलो भी अच्छा है लेकिन ब्लैक ज़्यादा अच्छा, बाकी देख लो अब तुम खुद ही तुमने क्या करना है। फाइनली दो सेलेक्ट कर ली है, ये माही का ब्लैक वाला और वो उसकी सिस्टर का, अब तो नहीं और तो नहीं कोई पसंद आया, नहीं लेना ले लो फिर बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा तुम्हारा सलवार की मजा से क्या काम क्या मतलब क्यों, रमजान आ रहा है इसलिए इसने लेनी है, ये इसकी बहन का और ये इसका, कर दें बिल। गुड नेम बताइएगा, बकार। और तो नहीं लेना अभी बता दो, मुझे तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा है अभी, और अब तक तो शायद मेरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया होगा, तुमने नहीं ना खाना पिज़्ज़ा, चुप कर बे कुत्ते, पिज़्ज़ा नहीं ना खाना क्यों, डाइटिंग क्यों, ये पिन लगाइए चले जी। फिर कुछ देख रही है, कह रही बॉक्सेस मिल सकते हैं, एक तो इनका रोना नहीं मुकते। अच्छा ये एक बहुत ही प्यारे ब्रदर हैं जुनेद भाई, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा जो अच्छा डिस्काउंट दिया, गिफ्ट बॉक्स भी दिया, ये गिफ्ट बॉक्स भी दिया इन्होंने, तो ये इनकी जो उनकी शॉप है इन पर मस्ट विज़िट करें, और इनके पास आएँ जब भी तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स देंगे ये, तो ये बहुत ही अच्छे हैं नेचर वाइज भी, तो बहुत अच्छे तरीके से तावन करेंगे आपका। कहा था कि तुमने नहीं खाना, अब तुम कह रही हो आ गया,
ये हमारा पिज्जा आ गया। पर अभी तो मैं खाऊंगी ना। क्यों? अभी तो कहा था मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा यार चलो। ओके ये हमारा पिज्जा काफी मजेदार लग रहा है। इसकी फर्स्ट स्लाइस में टेस्ट करूंगा। चलो गाइस अब हम एंटर हो गए हैं जैस्मिन मॉल। पिज्जा सीधा हमने खा लिया है। तो क्या परफ्यूम देखने हैं? अच्छा यार क्या करूँ यार, मैं ये औरत ही नहीं थकती यार। अभी परफ्यूम ये ज्वेलरी लेने से मैं थक गया उसके साथ जा जा के। ये नहीं थकती ज्वेलरी लेने से। हम गलत थे। ये जौन सा परफ्यूम देख रही थी अपनी सिस्टर के लिए, मेकअप नहीं देख रही थी। तो अब परफ्यूम शरफ्यूम इसने ले लिया, पसंद कर लिया है। तो अब हम ले रहे हैं पिज्जा का डकारा है। ले लिया परफ्यूम हैं बस अब चलें कि ऊपर भी जाना बिल करा के ही। अब ऊपर जाना क्या करना है, अब बस जाना है ना। ठीक है इसका बिल कर दें। अच्छा ये दो चीज़ें मिली हैं ये हाँ। दो मेकअप नहीं मुकदा, नहीं मुकदा। क्यों मेकअप छोड़ती क्यों नहीं? इतना मेकअप लेके क्या करना है? हर दफ़ा देखो जब वो मेकअप लेने लग जाती है कर दें बिल। अच्छा तो ये लिया, इसको क्या कहते हैं? बकोड के लिए, बकोड में इसको क्या नाम क्या, इसको क्या कहते हैं? नहीं 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 वो इसमें आता है ना ये। हाँ ये तो मैंने मंगवा लिया है ना। ये मंगवा लिया, ये तो कोकोनट ऑयल से होगा। कितने का? ये 1500 का। ठीक है तो ये कितने का? ये नहीं है मैंने इतना अच्छा इनके डिफरेंट प्राइस है। ये देखिए ये 2500 का, ये 2000 का और ये भी 2500 का। इनमें से तुम्हें क्या शौक चढ़ गया इसका? मैंने वो नमाज पढ़ने के लिए रखना था पास। चलो ठीक है ले लो फिर। बस ये लेना है? अच्छा इसका सा कोकोनट कॉइल ना करो, वो वाले कॉइल कोकोनट कॉइल से सही चलेगा ये। नहीं ये ही लगता है, उसके नीचे इतना बड़ा कॉइल नहीं आता। ये जब नया नया आया था ना तब था मेरे पास। क्या नॉन इलेक्ट्रिक वो जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नहीं आएगा वो वाला कॉइल। जो बड़ा ना मोटा आप कोकोनट कह रहे हो वो बड़ा है, वो उसमें एडजस्ट नहीं होगा। फिर सर इलेक्ट्रिक कॉइल होता है मुझे पता है। चल ठीक है 45 मिनट चल। गोल्डन कॉइल भी नहीं पड़ा आपके पास? गोल्डन नहीं है? ठीक है कर दें आप। फिर ये गोल्डन वैसे कहाँ से मिलेगा आइडिया? नहीं अब हम जा रहे हैं, ये लिफ्ट है। अब मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा अगर लिफ्ट पे चढ़ना है, क्योंकि बंदा अनबैलेंसिंग हो जाए और बंदा ऐसे टप करता नीचे गिरे और बंदे का पटाखा बोल जाए। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम जाएं, काफ़ी शॉपिंग कर लिया, रहा करनी हमने कुछ लिया तो बस चले फिर। ऊपर से निकली थी मुझे कह रही थी अब हम घर जाएंगे और यहाँ पर फिर सूट लेने आ गई है। यार क्या बंदा करे यार, वो बुढ़िया नहीं डाई दियाँ शॉपिंग है तो नहीं डाई दिया। देखे मैं आया हूँ मैंने कुछ भी नहीं लिया। ले लो नहीं मैंने कुछ लिया नहीं। ला तो मुझे मना करोगे? नहीं बहुत अच्छा है। ले लो ले लो ले लो सब ले लो ले लो ले लो। अच्छा लेने से शमैला पे के लिए ही ले लेती। हाँ शमैला पे सोदिया जा रही है ना पार्क। इसको पसंद बहुत है। अब चलें अब ये ना हो कि दूसरी दुकान में घुस जाए खास करके, इसका पता नहीं चलता। बस यही कह के अब हम चलें। तो चलिए गाइस फिर चलिए फिर चलिए। 2000 years later. अच्छा तो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं। ऐसे ऐसे ऊपर चलो 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 चलो। क्या हाल है टिको ना, क्या कर रही हो? इधर रखो सामान को ते सुकून ना इधर जाके बैठ जाओ। नहानों के निकल एक तो बच्ची इतना रोती है, ये बच्ची बहुत रोती है। नमाज मैंने कहा यार नमाज पढ़ लो, हम ब्लॉग दिखाते हैं तो नमाज भी दिखानी चाहिए, नमाज भी अच्छा काम करते हुए भी हमें दिखाना चाहिए। तो बस नमाज पढ़ने लगे हैं अभी।
तो फिर मगरिब की नमाज हमने कहा पढ़ लें उसके बाद ही निकलते हैं। तो ये देखें अभी हम कर लेते हैं जी मसल्ला ठीक बिल्कुल और हम नमाज पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह जी। मगरिब की नमाज पढ़नी है 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल। तो फिर ब्लॉक नमाज के बाद फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ लूँगा। अच्छा तो यार मैं नमाज नमाज पढ़ के निकला तो यार चलो यार चलें अब चलें फिर अब हो गई हो तैयार चलें अपनी बहन के बर्थडे पे जाना और इतना तैयार हुई है तो क्या बर्थडे पे तैयार होके जाते हैं क्या और कब होके जाते हैं। ये क्या मंगवाया है ये क्या है ये मेरे रमजान की डेकोरेशन डेकोरेशन ना कि जान नमाज है डेकोरेशन चलो मुझे लगा शायद जान नमाज भी है। अच्छा अच्छा वाह चलो अच्छी बात है यार इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए रमजान में पढ़े चाहे वैसे पढ़े पढ़नी जरूर चाहिए। तो आओ चलें यार फिर चलें काफ़ी टाइम हो गया अब बच्चे तैयार थे और बैठे हैं ये देखें ये भी बच्ची तैयार बैठी है भी बच्चा तैयार बैठा है बस अब निकलने की तैयारी करें मैं भी तैयार हूँ लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आना है आगे एक काम तो फिर मैं जो से आगे निकल जाऊँगा तो बस चलते हैं हम निकलते हैं। अच्छा तो ये चेक करें आप ये जान नमाज मंगवाई है इसने जो कि बहुत प्यारी लगी है मुझे जान नमाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है रमज़ान के लिए इसने मंगवाया सामान और क्या क्या मंगवाया ये हमें कहीं से पीआर वगैरह नहीं आई ये हमने अपने पैसों से ही खरीदी है ये चीज़ें ठीक है। तो आप ये ना समझना कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं या ये वो लटन पटन हमने अपने पैसे भरे हैं इस चीज़ के जो कि हमने ये चीज़ें मंगवाई हैं लेकिन माशाल्लाह जान नमाज बहुत प्यारी है और इस पर नमाज पढ़ने के लिए अपने ही मज़ा आएगा। और ये क्या है ये वो बकोर है। अच्छा जिसकी आज तुम वो लेके आई हो फ्लेवर लेके आई हो हाँ चलो खोल लो तुमसे तो खोल नहीं रहा ये तुम पकड़ो आराम से टूट ना जाए उसका होगा ऐसी थोड़ी ना टूट जाएगा ध्यान से फिर बता रहा हूँ कोई भी यार नहीं है ये आई है ये हमने अपने पैसे से ही खरीदा है ठीक है आपको वैसे ही दिखा रहे हैं कि हमने रमजान के लिए इसने ना डिकोर का कुछ सोचा है कि ये कुछ डिकोर करने लगी है नहीं वो मैंने सिर्फ अपनी नमाज वगैरह पढ़नी है ना इसलिए मैं उसके चलो माशाल्लाह दे रहा है दुरुस्त है नमाज के लिए अगर इसने सोचा कैमरे का एंगल ठीक रखो क्या दिखा रही हो ये है जी अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे आप पकड़े ना मैं दिखाती हूँ आपको समझ नहीं आएगी ठीक है ये लो कितना खूबसूरत है इसको कहते क्या है बाखूर जी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है माशाल्लाह है तो काफ़ी प्यारा इसमें ये सीन होता है कि इसमें वो फ्लेवर डलता है उसमें आप कोकोनट ऑयल वगैरह चला के तो इससे पूरे जौनचा रूम में ना खुशबू ही खुशबू हो जाती है हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है और जानमा सबसे ज़्यादा प्यारा लगा मुझे जो कि मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है हाँ जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह तो हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये के मैं आपको आ रहा था बीच में ये वाकई जोन से है ना ये मैंने इसका फ्लेवर मंगाया ये माशाल्लाह बहुत प्यारा अल्लाह तुम्हारे नसीबों में करे कमरे में लगेगा और बहुत प्यारा लगेगा और तुम सारी नमाजें पढ़ना करूंगी ना इसके आगे सारा करके हाँ चलो तुम नमाज पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो नमाज पढ़नी चाहिए बस तो भी पढ़ती हूँ अभी मुझे तो आपने दिखाया ही नहीं आज अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए अब हम चलें हाँ बस चलते हैं मैं ये रख लूं बस चलो रख लो फिर हम चलते हैं। तो यार चलो यार काफ़ी टाइम हो गया आ जाओ चलें अब निकले हैं इसी के साथ कर हम ब्लॉग का दी एंड क्योंकि इन्होंने जाना है बर्थडे पे मैंने जाना है काम तो ब्लॉग नहीं बन सकता वैसे ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपका जो उनसे स्वागत करेंगे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को फौरन जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ठीक है नहीं दे दो मुझे अंगूठी चाहिए हाँ तो मुझे फौरन वो दे दें और फिर बस चलें ओके जी अल्लाह हाफिज़।